Good morning, student. Have a nice day. Today's our subject is maths in standard third. तो कल हमने आगे का वीडियो देखा था, अब हम ये पेज नंबर 36 का वीडियो देखेंगे. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, उसकी गिनती यहाँ पे लिखी हुई है और उसके मुताबिक यहाँ पे सम्स दिए हैं. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स दिया है. तो जैसे कि 7 और 8 होते हैं 15, तो 5 लिखा है और ऊपर विधि भी दी है, तो इसको हमें काउंट करना है. तो 4, 1, 5, 6 और 7, तो यहाँ पे आएगा 7. उसके बाद यहाँ तो ख़त्म किया हुआ ही है, यहाँ भी ख़त्म है, यहाँ पे खाली छोड़ा है. और यहाँ पे हमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ स्पैरो एंड स्क्विरल. तो यहाँ पे देखो कि स्पैरो और स्क्विरल बर्ड और स्क्विरल, तो उनकी काउंटिंग यहाँ पे बर्ड की काउंटिंग है 124 एंड 38 स्क्विरल की है. तो हमें ये इन दोनों को प्लस करना है. इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा. तो 162 और फिर डियर और रैबिट इन दोनों को प्लस करेंगे तो 75 आएगा. 75 तो हमें इनको प्लस करना है. तो 5 और 2 7, 6 और 7 कितने होते हैं, 13 और फिर 237 इसका आंसर आएगा. अब हम आगे देखते हैं, यहाँ भी हमें प्लस करना है. तो ये आपको घर से खुद से करना पड़ेगा, ये भी खुद से करना है. और यहाँ पे देखते हैं तो गर्ल्स कितनी है, ऑरेंज मैंगो, जिसको ऑरेंज पसंद है उसके गर्ल का नंबर है 136 और जिसको मैंगोज पसंद है वो इतनी गर्ल्स है 240. तो इन दोनों को हमें टोटल करके यहाँ पे लिखना है. फिर बॉयज़ को टोटल करके हमें यहाँ पे लिखना है और इन दोनों को टोटल करके हम यहाँ पे करना है. वो आपको घर से करना पड़ेगा, होमवर्क में है ये. फिर यहाँ भी प्रैक्टिस टाइम दिया है, तो यहाँ भी सम्स है तो आपको घर पे करना है. यहाँ भी थोड़े कुछ दिए हुए हैं तो आपको यहाँ भी घर से करना है. एक मैं करवाती हूँ, 9 और 3, तो 9 और 3 कितने हुए बोलो, 12. फिर 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 3 और 3 6. इसी तरह से आपको ये खुद से करना है. अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि दिया है 59, यहाँ पे आधा किया है 50 प्लस 9. अब हमें 50 में से 20 कट करना है और 30 इधर लिखना है, 20 इधर लिखना है. तो 9 तो है तो 29 हो जाएंगे. फिर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे हमने 91 किया है, 20 कट किए हैं. फिर यहाँ पे 20 यहाँ पे 40 कर देंगे. फिर ये दोनों प्लस करेंगे तो इतना हो जाएगा. फिर ये बॉक्स फिलअप करना है, तो मैं एक करवाती हूँ, आप दूसरा खुद से घर से करना है आपको. 70 तो यहाँ पे हमें 70 लिखना है और 8 अलग से लिखना है. फिर हमें 20 कट करना है, इधर से माइनस करना है. तो कितने बचे, 20 बचे ना, तो वो 20 हमें इधर रखना है. फिर उसके बाद यहाँ पे भी 20 कट किए हैं तो वो 20 इसमें प्लस करने हैं. तो कितने हो जाएंगे, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें इतने मिल जाएंगे. ओके, ऊपर वाला आंसर यहाँ पे ही आ जाएगा. इजी है, 20 कट करना है, आपको घर से आ ही जाएगा. फिर यहाँ पे सम्स करने हैं,
तो वो भी आपको होमवर्क में ही करना है, इसलिए दे रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको आए। अगर कुछ में प्रॉब्लम होती है तो अपने मम्मी और पापा के साथ बैठ के आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ पे आगे जैसा ही है, यहाँ पे प्लस दिया है तो हमें इन नंबरों का प्लस करना है, और यहाँ पे माइनस है तो हमें इन नंबरों का माइनस करना है। जैसे कि 50 और 20, तो 50 प्लस 20 कितने हुए, 70 हुए। यहाँ पे फिर 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। आंसर और क्वेश्चन दोनों इसी में ही दिए हैं। उसी तरह से हमें ये बाजू वाला करना है तो माइनस करना है, तो 70 माइनस 50 तो कितना आया, 20। और यहाँ पे 70 माइनस 20 तो कितना आया, 50। तो हमें इसी तरह से करना है, तो ये वाला आपको होमवर्क में करना है। एक मैंने समझा दिया है तो आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 ख़त्म होता है। आगे का मैंने जितना होमवर्क में दिया है वो आपको खुद से करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी मम्मी से, मम्मी के पापा के साथ बैठ के फिलअप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।